हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी न्यू वीडियो लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर के बीच में कुछ लफड़ा ज़्यादा हो रहा है, हमने सोची हम भी वीडियो बना लें। तो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड बेल आइकन के बटन को इम्प्रेस कर देना। वीडियो किसी ने सच ही कहा है कि अगर तुम किसी को गिराने के लिए खड्डा खोदोगे तो तुम खुद गिर जाओगे। तो गाइस स्वाइप अप करके वीडियो जरूर देखना। चलो, ये वीडियो देख के मेरे को ऐसा लगा कि किसी को तो समझ है, देर आर क्रिएटर्स एंड यूट्यूबर्स जिनको एक्चुअल चीज़ें पता है। आई रिस्पेक्ट वैसे कंटेंट क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स को, क्योंकि इसने जो खड्डा खोदा दूसरे के लिए, ये खुद वो खड्डे में गिर गया। ये वीडियो देख के वही समझ में आता है। मैं सोच रहा था ये सारे रिप्लाई मैं दूंगा, बट आई अप्रिशिएट सच यूट्यूबर्स जो मेरे। कुछ लोग की तो यूँ जलती है कि नाम क्या आमिर सिद्दीकी, टीम का नाम क्या टीम नवाब। तो बेटा पहला से ही नवाब है भाई, पूरा खानदान नवाब लगता हम करें। इम्प्रोस तक तो टिकटॉक की हर वीडियो ट्रेंड में जाती है, और फिर क्या एक वीडियो ट्रेंड में गई लाइफ फेवर में। ये वीडियो बोलते हैं जिसके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते। गलत किया बंटे, बहुत गलत कर रहे हैं। तू खड्डा खोद रहा है तो खुद गिरेगा, तू खुद पछताएगा, ये मेरी बात याद रखना। आई मेक यू रिग्रेट। आज भले तू ऐसा सोच रहा है कि सब आमिर को नेगेटिव बोल रहे हैं, सब आमिर को ये बोल रहे हैं, बट जिस दिन आमिर बोलेगा तो पॉजिटिव ही बोलूंगा मैं। बाबू भैया, 5,000 का लॉटरी लगा तो ढोल बजाकर पूरे मोहल्ले को बताने की क्या जरूरत है। आप भी और 5,000। 5,000 लगा तो सटिया गया। लो सुन लो, सारी चीजें तेरी सच्चाई और असलियत लेके आ जाऊंगा। 2018 में क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, तू एक्चुअल में क्या करता था, तू डब स्मैश से तूने चालू किया था, फिर तू किसकी कॉपी करके आया, हर एक छोटा छोटा माइन्यूट माइन्यूट चीज निकाल के मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वेट फॉर इट, तू जवाब दे, तेरे तू आखिरी वीडियो बनाएगा, उसके बाद खत्म, सबने बना लिए, तू एक आखिरी बचा है ना, तू भी बना ले। तेरे मन की भड़ास जितनी तेरे को नफरत फैलाना है फैला ले, अगर कुछ बच जाएगा तो वो भी वापस फैला लेना, तू वापस कर ले। बट सब बोलूँगा टाइम आने पर, रमजान बोल दे। और मेरा भाई तेको लगता है कि तू माँ बहन की गाली देके बहुत सुपर कूल लगता है, गलत है। इससे ये पता चलता है कि तेको तेरी बहन और माँ के रिस्पेक्ट नहीं है, जो तू दूसरों को माँ बहन के ऊपर गाली देता है। और देता नहीं तो जिसको इज्जत करना नहीं आती अपनी माँ बहन की और दूसरों की माँ बहन की, तो वो ऐसे ही गाली देते हैं। और जो असली वाले रहते हैं ना मर्द बच्चे, जो असली वाले रहते हैं ना, वो डायरेक्ट आके फेस टू फेस करते, तेरे ऐसा छिछोरेबाजी खिल्लर पने नहीं करते, उधर बैठ के फालतूगिरी करके किसी के बारे में बोल के। और ना तो मैं तेरे जैसा किसी को कॉल करके बोल रहा हूँ कि तू रोस्ट कर अभी उसको, तू भी रोस्ट कर। तेरे खुद के दोस्त लोग ने तेरे को मना कर दिया, आधे से ज़्यादा लोग ने, ये सब करने के लिए। बाकी जो तेरे बाप बच्चे जो भी तूने पाल के रखा है वो कर रहे रहेंगे तेरे बोलने के ऊपर, तो शर्म कर बंटा है, शर्म कर। और जब मैं बोलूँगा ना तो बंटा तेरी पूरा चिट्टा ऊपर से लेके नीचे तक खोल के बोलूँगा, क्योंकि तेरे से वो डरते रहेंगे बच्चे लोग। मैं नहीं डरता किसी से, ऊपर वाले से डरता हूँ खुदा से, और तेरे जैसे मच्छर बोल देगा मुझे, समझा। कुछ यूट्यूबर्स से हैं जो आपके बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो आप तो हमें सिद्धि की टीम में आप मचाते रहो यार, जलने वालों को तो काम आप पर जलते रहेंगे, आप मचाते रहो। ये कुछ लाइन मेरे दुश्मनों के लिए, कि तुम शेर की खाल में भी कुत्ते हो, तुम क्या दहाड़ लोगे, और ये खड़ा तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप, बताओ क्या उखाड़ लोगे। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के बटन को इम्प्रेस कर देना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन में घुस जाओ, तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करना। अगली वीडियो फिर